बिहार सांस्कृतिक परिषद द्वारा छठ पूजा का भव्य आयोजन किया गया। यह जानकारी संगठन के सत्येंद्र कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गोविंदपुरा SDM मनोज सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।
कितने साल से चाय का स्टॉल लगा रहे हैं आप? ये हम लोग 17 साल हमारे हमारे द्वारा समिति के द्वारा 17 साल हो गए हैं, लगातार 17 साल हम लोग सेवा दे रहे हैं। सर क्या पूरी निःशुल्क चाय है ये? हाँ निःशुल्क चाय रहती है 17 सालों अभी, बोले एक नंबर सर। कैसे चाय की व्यवस्था करते हो, अरेंजमेंट चाय की व्यवस्था कैसे करते हो? सभी लोगों का सहयोग रहता है, धीरे भाई है, भैया लोग हैं, बहादुर भाई है, हमारे सबसे खंडे वाला भाई है, सारे व्यवस्थाएँ रहती हैं, सब साथ में मिलजुल के करते हैं। सर चाय ठंडी का मौसम है तो चाय का ज़्यादा ठंडी का मौसम है चाय का ज़्यादा डिमांड हो जाए। चाय हम लोग कम से कम ये 5 से 6 हज़ार रुपये, 6 हज़ार लोग यहाँ आते हैं और उनकी व्यवस्था रखते हैं। कम से कम आज 250 लीटर चाय बनाया हम लोगों ने। ये निःशुल्क सेवा दे कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है भैया, बहुत सहयोग है, बहुत धार्मिक कामों में सब दो साथ देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पूरी समिति साथ में। क्या 17 साल से लगातार आप निःशुल्क? 17 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं, आगे भी ऐसी सेवा करते रहे, मालिक कृपा रही, भगवान का ईश्वर कृपा, भाई का सहयोग रहा, तो आगे भी सेवा निरंतर करते रहेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? बस भाईचारे से और भाईचारा संदेश देना चाहते हैं और सनातन धर्म ऐसे ही मूल है और ऐसे ही आस्था का महापर्व छठ त्योहार मनता रहे। नाम बता दीजिए। विनोद कुमार। हम सभी लोग आस्था के इस पर्व पर यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखों की हजारों की तादाद में श्रद्धालुगण आए हुए हैं, जिन्होंने आज उगते हुए सूर्य के साथ छठ महापर्व की समापन हुई है। कल शाम को यहाँ पर श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया है और इस छठ पूजा की इतनी महत्ता है कि अभी भारत के साथ साथ समस्त विश्व में ही मनाया जाने लगा है। मेरी पूरे भोपाल वासियों की तरफ से एवं भारत वासियों की तरफ से पूरे दुनिया को ये संदेश है कि आइए साथ में इस महापर्व पर एक साथ होकर छठ मैया का आशीर्वाद लें एवं पूरे विश्व शांति की संकल्प करें। बिहार और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा पर्व है, इसे महापर्व भी कहते हैं। लोगों की बहुत श्रद्धा जुड़ी रहती है और ये आमजन इसमें बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। अब जहाँ जहाँ भी बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो तो सारी जगह इसको बड़े अच्छे से मनाते हैं और अब तो समाज के अन्य प्रदेश के लोग भी अन्य लोग भी इसको बहुत ही धूमधाम से और बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। इसमें साफ सफाई स्वच्छता का संदेश ये पर्व देता है और समानता का संदेश भी ये पर्व देता है। सर प्रतिवर्ष आप यहाँ पे आते हैं कैसा महसूस करते हैं? प्रतिवर्ष यहाँ पे आप आते हो कैसा महसूस करते हैं? हर साल आप यहाँ पे आते हो कैसा महसूस करते हो? नहीं, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, बड़ा ही सफाई का ध्यान रखा जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे सैंपलिंग की भी व्यवस्था कर रखी है, मेडिकल की भी टीम है यहाँ पे, जो लोग व्रत उपवास करते हैं उसके ट्रेनिंग रूम भी बनाया है हम लोगों ने। सारे चीज़ों को बड़े व्यवस्थित ढंग से सारे प्लॉट को अलॉट करते हैं और एक जो बिहार सांस्कृतिक परिषद है उसके लोग बहुत इंटरव्यू के ढंग से सारे लोग किसी को किसी तरह की तकलीफ न हो, पार्किंग प्रॉपर हो, ये पूरा ध्यान रखते हैं। बड़े ही व्यवस्थित तरीके से ये पर्व यहाँ पर आया। सर कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पर? कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं 2 साल से आ रहा हूँ। पिछले साल आया था। मेरा नाम कमल पाल है। हर साल 17 वर्षों से इस साल भी छठ मैया की सेवा में लगे हुए हैं चाय वितरण के लिए। सभी हमारे मित्रगण, हमारे मित्र भैया मित्र मंडली की ओर से चाय वितरण भैया